This news is brought to you by Nandini College of Nursing. बिलासपुर जिले के डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर चांदपुर में कोरोना वॉरियर्स ने कोविड 19 के मरीजों का इलाज करने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन में अपना समय बिताया। साथ ही साथ कोरोना वॉरियर्स का कोविड 19 टेस्ट भी किया गया, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। वहीं रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद कोरोना वॉरियर्स को क्षेत्रीय अस्पताल प्रबंधन बिलासपुर द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर कोविड केयर सेंटर में बतौर स्टाफ नर्स अपनी ड्यूटी निभाने वाली संतोष पाठक ने अस्पताल प्रबंधन का धन्यवाद किया और लोगों से कोरोना के तहत बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए अपील की। 7 दिन के लिए सिवा डेडिकेटेड सेंटर में डिप्यूट किया गया था और 7 दिन के लिए वहाँ ड्यूटी करी और फिर मुझे 14 दिन के लिए वहाँ क्वारंटाइन किया गया। अब आज मैं अपनी ड्यूटी रिज्वाइन करने आ गई हूँ और यहाँ पे मेरा वेलकम करा और मैं बहुत खुश हुई। इतनी अच्छी तरह से मेरा वेलकम हमारी पूरी टीम का जो यहाँ से डिप्यूट किए गए थे और बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला और हम दोबारा ड्यूटी के लिए भी तैनात रहेंगे। कुछ अपील करना चाहेंगे, डरे ना इस महामारी से, कोई डरे ना। इस बीमारी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो WHO की गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग उसको ही फॉलो करें, जैसे हैंड वॉशिंग है, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग है, जरूरत पड़ने पर घर से निकलना है। वहीं बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर राजेश आलूवालिया ने कहा कि सेंटर में नियुक्त की गई टीम ने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई है। जो स्टाफ डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर शिवा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चांदपुर में है, वहाँ पर जो हमारा स्टाफ ड्यूटी दे रहा था, जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का इलाज में जो सहयोग किया है, और ये लोग जो ड्यूटी करते हैं इनका शेड्यूल होता है 1 हफ्ते ये ड्यूटी करते हैं और उसके बाद फिर 2 हफ्ते ये लोग क्वारंटाइन में रहते हैं और उसके बाद ये ड्यूटी पे वापस आते हैं। तो वापस यहाँ पे ड्यूटी पे जब उन्होंने ज्वाइन किया है तो उनका हमने जो है स्वागत किया है यहाँ पे और उनको सम्मानित भी किया है कि वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का इलाज के बाद में वापस ड्यूटी पे आए हाजिर। बिलासपुर ज़िला में जितने डॉक्टर जो हैं बड़ी ईमानदारी के साथ में और पूरे तन मन धन से जो है वो मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं और जो भी यहाँ पेशेंट आता है, सस्पेक्ट पेशेंट हो या पॉजिटिव पेशेंट भी कोई रहा हो, तो उसका वो पूरा ध्यान रखते हैं और जैसे ही वो आता है तत्काल उसका इलाज किया जाता है। कोविड केयर सेंटर चांदपुर में कोरोना वॉरियर्स ने कोविड 19 के मरीजों का इलाज करने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन में अपना समय बिताया और समय पूरा करने पर क्षेत्रीय अस्पताल प्रबंधन बिलासपुर द्वारा कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। के चैनल के लिए बिलासपुर से शुभ राजपूत की रिपोर्ट। To make a successful career in health sector, come to join Nandini College of Nursing. Join 4-year BSc Nursing degree course and 3-year diploma course in GNM Staff Nursing. Recognized by INC New Delhi and Himachal Pradesh Nurses Registration Council Shimla. We provide direct admission in BSc Nursing after plus 2 medical with 45% marks for general category and SCST with 40% marks. And for admission in GNM Staff Nurse course, come from any stream with 40% marks and SCST students with 35% marks. We have special scholarship for SCST and OBC students. Special features, green campus, hostel facility with Wi-Fi, excellent results and placements every year. Affiliated with Government Hospital, Sundanagar. Contact Nandini College of Nursing, VPO Kannad, Tehsil Sundanagar, District Mandi.